मशाबर्ती काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से एक बैठक का आयोजन शुक्रवार को वेट मार्केट में किया गया। तनवीर आलम सदस्य मशाबर्ती काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बताया गया कि पूर्व मंत्री आजम खान द्वारा मेरठ में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ प्रस्तावों को रखा गया, जैसे 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम इस तरफ इशारा करते हैं कि भारत का आम नागरिक शांति और अमन की जिज्ञासा रखता है। ऐसे ही कई बिंदुओं पर शहर के पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों के साथ बैठक हुई। इस दौरान शहर के संभ्रांत नागरिक, शहर गाजी व पत्रकार बंधुओं को शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। इसका मकसद ये था कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उसको देखते हुए ये महसूस हुआ है हम सभी को कि आज भी हमारे मुल्क का सेकुलर जो ढांचा है वो मजबूत है, और इसी के मद्देनज़र हम ये चाहते हैं कि सेकुलर ताकतें आगे आएँ और जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको मुँह तोड़ जवाब दें। इसी तरह हम अपनी गंगा जमनी तहजीब को और हिंदुस्तान वतन के लिए अपने मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में हम उनको वोट दें जो हिंदुस्तान के लिए बेहतर हों, और हमारे ज़िलों के लिए, हमारे शहर के लिए जो लोग बेहतर हों उन प्रत्याशी को वोट दिया जाए। जी, मशाबर्ती काउंसिलिंग इनका यही मकसद है कि? इसका केवल यही मकसद है, केवल हमारा वतन हो, हमारे वतन की बेहतरी हो, और वो लोग चुनाव जीतें जो हमारे हिंदुस्तान के लिए बेहतर काम कर सकें और हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रख सकें।